हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको अपनी किचन में लाई हूँ रसोई में, ताकि मेरी मम्मी मदर इन लॉ मिसेस सुधा पाठक आप सबके साथ एक हमारी फैमिली रेसिपी शेयर कर सके जो कि ड्राई फ्रूट से बनती है। और इसको हम लोग कई तरह के फेस्टिवल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ भोग प्रसाद, या फिर व्रत के दौरान इसको खाते हैं। इसको मम्मी क्या कहते हैं? फलाहार में कहते हैं, पट्टी कहते हैं हम लोग बनारस में इसको। अच्छा, और इसको क्या क्या आइटम्स इसमें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए इसमें? ये मखाना है। कितना मखाना है मम्मी? अभी मैं 25-25 ग्राम हर चीज़ ली हूँ। अच्छा, 25 ग्राम मखाना है, 25 ग्राम ये काजू है, फिर ये 25 ग्राम गरी का बुरादा है, ये गोंद है। अच्छा, ये पोस्ता का दाना है। हाँ, खसखस कहते हैं जिसे। ये मगज है, मगज खरबूजे का बीज। हाँ, ये बादाम है। अच्छा, ये किशमिश है। अच्छा, चिरौंजी है। हाँ, और ये घी है। हाँ, और सारे इसका जितना वेट होगा उसके बराबर हम चीनी लेंगे। हम 250 ग्राम चीनी रखे हैं। तो अगर ये 25-25 ग्राम आपने लिया है, मान लीजिए, तो 250 टोटल का फिर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको कितना हुआ? हाँ, तो 250 ग्राम के बराबर चीनी। हाँ, चीनी। और चीनी मम्मी अपने हिसाब बराबर कर सकते हैं। ज्यादा मीठा चाहती है तो ज्यादा भी कर सकती हैं। अच्छा, और ये कम करने से फिर ठीक से जमेगा नहीं। ठीक है, तो फिर ये गोंद, मम्मी गोंद को कैसे लेना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये इसको मैं घी डालूंगी कढ़ाई में। हाँ, और फ्राई करके मैं रखी हुई हूँ पर ना। हाँ, इसे मैं ये फ्राई करके रखी हूँ, इसको अभी मैं पीस लूंगी। अच्छा, तो ये आपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स करने के बाद गोंद को आपने सबसे पहले थोड़ी सी घी में इसको फ्राई कर लिया। टोटल मेरे पास इतने घी में ली हूँ, इसमें बच भी जाएगा। हाँ, तो ये गोंद को फ्राई करने के बाद फ्रेंड्स देखिए ऐसा हो जाएगा क्रिस्पी। फिर इसको मैं मिक्सी में डाल के इसको हल्का सा पीस लूंगी, बहुत ज्यादा पीसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हो गया। और ये पोस्ता का दाना भून के रखी हूँ। हाँ, इंग्रेडिएंट हम किनारे कर दे रहे हैं क्योंकि भून के आपके सामने रखने में टाइम लगेगा। और ये मैंने इसमें इसको भी पहले जो इसको गोंद को जब मैंने फ्राई किया ना। हाँ, तो जो घी उसको भून निकाल लिया, उसमें किशमिश डाल के निकाल लिया, फिर उसी में इसको भून लिया, बादाम भून लिया। अच्छा, बादाम काजू भून लिया। हाँ, और चिरौंजी। हाँ, ये भी भून के। तो मतलब जो जितने हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसमें से काजू, बादाम, चिरौंजी और आपका गोंद, ये आपको मिक्सी में भून के मिक्सी में पीसना है ना? हाँ। ठीक है, तो हमने पहले अभी इस समय हमने सबसे पहले गोंद को मिक्सी में पीस लिया है। गोंद को नीचे निकाल लिया है, ये भी निकाल लिया। ठीक है, इसमें इसको डाल के दोनों एक साथ डाल देते हैं। हाँ, काजू और बादाम दोनों को एक साथ हम पीस। क्वांटिटी कम है ना। हाँ, इसको भी मैं एक चीज ध्यान देने का ये है। हाँ, गोंद को मैंने फ्राई किया है, इसको मैं ऐसे रोस्ट भी कर सकती हूँ पॉपकॉर्न की तरह। ये माइक्रोवेव में हो जाता है। अच्छा, ज्यादा मुझे हो गया मोटा पतला था। तो इसको बहुत महीन नहीं ये महीन हो गया बात। अच्छा, बस और कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, तो मखाना को भी पीसना होगा ना? मखाना पीसना है, मखाना डाल देते हैं। थोड़ा मोटा मोटा ही रहेगा, एकदम कोई चीज नहीं करना है। अगर इसमें से कोई एक दो चीज कम हो तो भी बन सकता है। ये बन सकता है, हम लोग क्या कहते हैं, अधिकम से अधिकम फलम, जितना चीज डालोगे उतना अच्छा लगेगा। हाँ। ये 250 ग्राम चीनी है हमारा। हाँ, चीनी को हम डाल देते हैं, चाशनी बनाएंगे। अच्छा, तो 250 ग्राम चीनी में कितना पानी डालेंगे? हाफ कप। हाँ, तो ज्यादा पतली चाशनी नहीं करनी है ना? ज्यादा पतली नहीं करनी है, इसको जमाना होगा ना। तो क्या एक तार की कंसिस्टेंसी या कुछ ऐसा? एक तार की कंसिस्टेंसी, बस चिपचिपा हो जाए। ठीक, हाँ, तब तक दूसरा कोई स्टेप, चीनी जब तक उबलता रहेगा तब तक और हमें कोई तैयारी करनी है?
नहीं तो कोई तैयारी नहीं करनी, सारा मिक्स कर दे रही हूँ सब एक ही जगह कर ली। हाँ खाली नहीं निकली। ये देखिए चीनी हमारी अभी उबल रही है, इसका शीरा बन रहा है। घी लगा देंगे। हाँ जिस थाली में सेट करना है उसमें थोड़ा घी लगा देंगे। ताकि आसानी से निकल सके। हाँ तो अब सब सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ मिक्स कर दे रहे हैं। हाँ, नहीं ये कहाँ कहाँ से सीखी कौन? ये तो हमारी दादी नानी माँ सभी लोग बनाते हैं। अच्छा। बनाते थे। अच्छा ठीक है, तो चीनी कम लगा वो हम अपने अनुसार। हाँ। अपने अनुमान अनुसार इसको कम बढ़ा कर सकते हैं। हाँ, हाँ। कभी कभी थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स में ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ आ जाएगा। इसमें मेन चीज वही है, अगर आप पहले से सारा प्रिपरेशन करके रखें, चीनी का शीरा बनने में जितना टाइम लगता है उतना वो पहले से आप बाकी सारा प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। हाँ। ये देखिए हमारी चीनी, अब चीनी का शीरा लगभग बन रहा है उबल के। इसका कंसिस्टेंसी अभी टेस्ट कर चेक करना पड़ेगा। हाँ अभी बीच बीच में नीचे नीचे चीनी आ रही है तो इसको अच्छी तरह से गलाना पड़ेगा। इसमें और ऐसी कोई चीज है जो डाल सकते हैं इन सब के अलावा? नहीं इतना बहुत है। और जैसे कोई हम आटा डालना चाहे हम आटा डाल सकते हैं इसमें भून करके, इसका लड्डू भी बना सकते हैं। हाँ। इन सारी चीजों को। हाँ। आटा भून करके चाहे तो फलाहार करना है तो सिंघाड़े का आटा भून के डाल। हाँ, हाँ। वैसे गेहूं का आटा जनरली डालते हैं, जाड़ों में बनाते हैं, खाते हैं, इसे सौंफ डालते हैं। हाँ। हल्दी भी डाल देते हैं, वो तो फलाहार है तो इसलिए हल्दी डालते हैं। हाँ। लेकिन एक आसान रेसिपी और एक हेल्दी रेसिपी भी कहा जाए, हेल्दी है। नवरात्र में भी फास्ट के दौरान इसको खाया जाता है। वैसे पिन्नियों में एक तरह से पिन्नी की तरह हो गया। हाँ। पिन्नियों में घी बहुत ज्यादा पड़ता है। अच्छा। ये पट्टी में घी कम पड़ता है। हाँ। आजकल सभी लोग घी कम खाना चाहते हैं। कॉन्शियस है। हाँ, सब हेल्थ कॉन्शियस है। तो हमारी हमारा शीरा लगभग तैयार हो चुका है। इसको एक तार की चाशनी बनाते हैं। इसको ऐसा ऐसा इसको चेक करने का तरीका इसे ऐसी अभी है ये। हाँ है ना, दिख रहा है? हाँ हाँ एक तार। तो ये तैयार है हमारा। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा गैस ऑफ करके मिक्स करना है इसको। हाँ। और इसको चलाते रहेंगे। हाँ अच्छा लग उसको चला चला चलाना है लग हो गया हमारा। हाँ तो अब हम इसको सेट करेंगे। इसको सावधानी से उठा के प्लेट में, जिस प्लेट में घी लगा के रखा था मम्मी ने, अब हम उसी में इसको सेट कर रहे हैं। मम्मी इसको
मोटी तरह उसकी लेयर होनी चाहिए या पतली? मोटी पतली कैसी भी लेयर हो, जैसा तुम्हारे पास सामान हो, बहुत पतली नहीं होती है। अच्छा, थोड़ी मोटी ही होती है। और फिर उसको ठंडा करना ना काटने के समय? थोड़ा कम, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर चाकू चला देंगे ऊपर से। अच्छा, और बाद में तोड़ेंगे, क्योंकि एकदम ठंडा होने के बाद चाकू चलाएंगे हाँ तो वो हार्ड हो जाएगा। हाँ, बस खाली हल्का सा हम इसको हाँ निशान बना देंगे इस तरह से, क्योंकि ठंडा होने, चीनी है ठंडा होने के बाद फिर ये कट नहीं पाएगा। एकदम ऐसे नहीं उठाएंगे, बस इस तरह से, मतलब नीचे नीचे ही चलाना है, उठा उठा के। हाँ, पूरा ऐसे चलाएंगे तो कटने सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। बस ये आपका तैयार है, अभी ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो ठंडा होकर के इसको एक प्लेट में हाँ ऐसे फट से पलट देंगे। अब हमारी पट्टी ठंडी हो गई थी और उसके बाद मम्मी इसको पलट दिया ना हमने, इसको पलट दिया ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे हाथ से करके। हाँ, पूरा ऐसे कर दी, जब ठंडा हो जाता है तो अपने आप निकल आता है। फिर अगर बाई चांस नहीं निकल रहा है तो थोड़ा सा एक बार गैस जला के गरम करके पलट देंगे तो पूरा आ जाएगा, लगा रहता है। अब इसको मैंने चाकू पहले ही लगा दिया था। हाँ, तो अभी ऐसे तोड़, जहाँ से निशान लगा है ये ऐसे 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 निशान पे कट होता जाएगा, पीसेस इसके हो जाएंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, देखने से लग रहा था जैसे हार्ड है लेकिन सॉफ्ट है। सॉफ्ट है, बहुत आसानी से खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। कितनी आसानी से टूट रहा है, कोई भी इसको आसानी से खा सकता है, बुजुर्ग लोग भी, हम हमारे जैसे बुजुर्ग लोग भी आसानी से खा लेंगे, जिसके कुछ दांत है कुछ नहीं है।